दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घरौंडा। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरी सिस्टर के घर का। नहीं वो उसका कमल का दो के रखा। ये तो पूरा बुरा हाल हो चुका है जाम का, आगे दूर तक है और जो लाइनों के बीच में बढ़ रहे। दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूं घर पर और चिंटू को यहां पर रख दिया है। देखिए स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए व्लॉग में। आज भैया दूज और मैं जा रहा हूं अपनी सिस्टर के यहां पर, तो आप सभी को भी भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ठंड बढ़ चुकी है तो सामने रोड के ऊपर भी बिल्कुल विजिबिलिटी अभी तो कम हो रही है, पहले की तरह नहीं, हल्की धुंध आ चुकी है अब तो। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल 5 से 10 फुट का दिखाई दे रहा है, इससे आगे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घरौंडा। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरी सिस्टर के घर का, तो अभी वहाँ पे चलेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे करनाल की तरफ। करवाएंगे यहाँ पे भैया दूज, ये तेरे को नहीं लगेगा। प्रदीप ने एक आधे त्योहार पर भी नारका मौका मिलता ये बुलाओगे होली पाव भाई मखाई त्योहार पर बहुत चलो तो फिर भी एक दिन मारी हां दिवाली पकड़े पूछती उसने। अच्छा ले अच्छा तो दोस्तों यहां का काम तो हो चुका है समाप्त और अब जा रहे हैं करनाल की तरफ। करनाल सरस्वती नेत्रालय है तो वहां पे जाएंगे, मेरे पापा की आंख दिखाऊंगा अभी और फिर वापिस चलेंगे घर की तरफ। तो चलिए यहाँ से सीधा सामने जीटी रोड, और पिछली बार तो आपने देखा होगा ये रोड टूटा हुआ था, तो अब के इसके ऊपर भी ब्लॉक लगा के इसका काम खत्म कर दिया है। अब गाड़ी तो जरूर आवाज़ करती चलती है घड़घड़ करती हुई, लेकिन हाँ चलो धूल मिट्टी से छुटकारा मिल चुका है। तो सामने है जीटी रोड और चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है करनाल का, रास्ते में चलते हैं और यहाँ से पहला टोल अभी आ जाएगा, नज़दीकी है पहला टोल तो, क्योंकि इस रोड पे चढ़ते ही घरौंडा से थोड़ी आगे चलते टोल आ जाता है। देखिए अभी सामने मैं बोल रहा था कि भी 5 या 10 मिनट भी नहीं हुए चले रोड पर और पहला टोल आ चुका है। ये रहा सामने, क्योंकि घरौंडा से आगे टोल बनाया हुआ है, तो काफ़ी अभी न्यूज़ तो आई थी इसकी कि इसको बंद करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि अभी तक इसको बंद ही नहीं किया। वही बात है, सरकार रेवेन्यू क्यों ख़त्म करेगी अपना। तो मैसेज जा चुका है और यहाँ पर लगे हैं हमारे 155 रुपये, तो अभी इन्होंने रेट इंक्रीज़ कर दिए हैं, जो ऊपर लगाए हुए थे स्टिकर रेट इंक्रीज़ के तो वो लागू हो चुके थे अभी। तो हम पहुंच चुके हैं अभी करनाल और अभी जाएंगे सरस्वती नेत्रालय में, मेरे पापा की आंख चेक करवाएंगे, देखते हैं कितनी भीड़ वगैरह लगी हुई है। नहीं वो उसका नेत्रालय कमल का दो के रखा। अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा हमें, मरीज इतने नहीं है, लेकिन टाइम फिर भी उतना ही लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। तो दोस्तों यहाँ से हमारा काम हो चुका है समाप्त, आंखें चेक करवा ली और अब जो बीमारी थी वो स्टेबल है, मतलब आगे बढ़ी या कम नहीं हो रोशनी, नहीं तो ये क्या था कि भी हर दूसरे महीने टिक्का लगता था, लेकिन अब ठीक है।
चलिए अभी तो 3 महीने बाद आना दिखाने के लिए, और अभी चलते हैं NDRI की तरफ, वहाँ से घी लेना मुझे, गाय का घी, तो अभी वहाँ पे जाऊँगा। तो दोस्तों प्लान में हो चुका है थोड़ा चेंज, पहले मुझे चिमनी खरीदनी है एक घर के लिए, पहले वो खरीदने जाता हूँ, बाद में जाएंगे NDRI की तरफ। चिमनी तो हमने कर ली है परचेज, अभी डिग्गी में तो आएगी नहीं, तो पीछे सीट के ऊपर रखवाऊंगा, यहाँ पे रखी जाएगी पीछे। अभी लो रहे हैं पैकर, इसको अंदर रखवा देते हैं, ये ध्यान से और नहीं खुलता गेट, वो तो दोस्तों चिमनी तो हमने ले ली है, और अब चलते हैं NDRI में, वहां से घी खरीदना है, घी खरीद के फिर चलेंगे अपने घर की तरफ, ले रख लो। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं NDRI रोड पर, और यहां से नजदीक ही है इस साइड, सामने मुड़ के NDRI आ जाएगी, और वहां सामने NDRI का आउटलेट, और वहां से घी खरीद देंगे। तो घी लेके और अभी जा रहे हैं अपने घर की तरफ, जाम में काफ़ी टाइम ख़राब हो गया, और अभी तक तो जाम से निकले भी नहीं है, और इस तरह के जो साइडों से जाने वाले लाइन तोड़ के ये और ज़्यादा जाम बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए अभी और आएंगे, ये देखिए लाइन तोड़ गया, अभी कौन सा आगे चले गए, ये देखिए लाइन तोड़ गया और आगे की तरफ, ज़्यादातर तो इन्होंने जाम बना रखा है। अभी फ्लाईओवर के ऊपर है और दोनों साइड भर दी इन्होंने, कि किसी को आना जाना ही नहीं है, ये देखिए ये रिक्शा वाले भी, ये तो पूरा बुरा हाल हो चुका है जाम का, आगे दूर तक है, और जो लाइनों के बीच में बढ़ रहे हैं वो नहीं बसने दे रहे, ये देखिए लाइन के बीच में घुस के और ज़्यादा जाम लगवा रहे हैं। दोस्तों पौना घंटा लगा जाम में से निकलने के लिए, चलिए अब तो अपने जींद रोड पर ही हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रुका था, और हमारे यहाँ पे जैसे गौशाला है, तो देखिए गाय कैसे भूखी है अभी, तो सोचा कि भी जाते जाते सानी डाल दे, देखिए ओहो देखिए कितनी, मतलब मिनट में साफ कर जाते हैं, देखिए नंदी महाराज को, ये खोर में चढ़े हुए हैं, तो हम बहुत ज्यादा देखिए पूरी दूर से आपको वहां से दिख रही होगी स्टाल ने, और यहां तक पूरी स्टाल है। दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूं घर पर, और चिंटी को यहां पर रख दिया है, देखिए तो कल को इसको फिट करेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपके, और तब देखना आप कौन सी चिमनी लेके आया हूँ मैं। तू क्यों बैठा, चलो नीचे उतर, नीचे उतर, नहीं ऊपर नहीं बैठा ना, तो इसके तो यहाँ पर बैठा।